हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों का स्वागत है मेरे किचन में। तो देखिए, दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से की है मैंने। सुबह सुबह काफ़ी काम होता है, तो मैंने सोचा पहले ये सारा काम करने के बाद ही हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा क्लीनिंग कर ले, उसके बाद हम बनाएंगे। आज देखते हैं हमारे किचन में आज क्या बन रहा है। तो बस इसी तरीके से मैं पहले सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कर दूँगी और उसके बाद हम हमारी जो कुकिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या जब बनाने जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथों में दूध की थैली है, तो आज हम बनाने जा रहे हैं रसगुल्ले। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं आज रसगुल्ले। पहले मैं ये पूरी तरीके से अच्छे से क्लीन कर दूँ, उसके बाद हम बनाना चालू करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक तपेली में दूध ले लूँगी। तो यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया है आधा लीटर। आधा लीटर दूध से हम गाय के दूध से बनाएंगे रसगुल्ले। तो ये इस तरह का जो मिल्क है ये मैंने स्टोर से लिया है, पैकेट वाला मिल्क मैं इसमें यूज़ करूँगी, क्योंकि गाय का दूध इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैंने इसको शॉप से परचेज़ किया है। और अब हम इस दूध को इस तरह से तपेली में निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको बॉईल करेंगे रसगुल्ले बनाने के लिए। इसका जो दूध आता है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा आता है, इसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी आप जब रसगुल्ले बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर इस दूध को गर्म कर लूँगी, और जैसे ही हमारा दूध अच्छे से गर्म होगा उसके बाद हम इसको विनेगर की सहायता से फाड़ लेंगे, तो इसे सेपरेट हो जाएगा। इस जैसे ही हम विनेगर डालेंगे, इसमें पानी और जो हमारा छेना है वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से मैं इसको गर्म कर लूँगी। यहाँ पे मैं विनेगर ले रही हूँ क्योंकि हमें पनीर बनाना है, तो इसके लिए मैंने ये जो विनेगर है ये डीमार्ट से लिया था, सेम्स का वाइट विनेगर है ये। तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर ले लूँगी और 4 टेबल स्पून हम इसमें पानी मिक्स करेंगे, और इसी की सहायता से हम हमारा जो दूध है वो पूरा फाड़ लेंगे अच्छे से। तो बस इसी तरीके से मैं इसमें 4 टेबल स्पून के लगभग पानी डाल दूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारा दूध ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा हम इसको गैस बंद करेंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इस दूध को फाड़ेंगे। ये देखिए दूध गर्म हो गया है बिल्कुल, और मैं अब गैस इसको इस तरह से मिक्स करते हुए मैं गैस बंद कर दूंगी। ये देखिए अब हमारा जो दूध है वो गर्म हो रहा है। और अब ये गर्म हो गया है और अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि इसकी जो मलाई वगैरह होगी ऊपर की वो पूरी इसमें मिक्स हो जाएगी। और ये मैंने यहाँ पे विनेगर डाल दिया है, और अब इससे हमारा जो दूध और इसमें से जो छेना है वो पानी और छेना दोनों सेपरेट हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हम हमारा छेना बनाएंगे रसगुल्ले बनाने के लिए। ये देखिए पूरा जो छेना है वो बिल्कुल अलग हो गया है और इसका पानी बिल्कुल अलग हो गया है। और अब हम इसको एक चलनी के ऊपर रख के इसका जो पानी है वो छान लेंगे, और पनीर और पानी दोनों अलग अलग कर देंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, और बस अब हम हमारा जो छेना है इसमें डाल के उसका पानी सेपरेट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने सारा इसमें डाल दिया है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी गर्म होता है तो आप ज़रा थोड़ा ध्यान से करें। और अब हम इसका जो एक्सेस वाटर है वो इस तरह से इसको स्क्वीज़ कर लेंगे, ताकि जो पानी है वो निकल जाए। और इसके बाद मैं इस पर ठंडा पानी डालूँगी। इससे क्या होगा कि एक तो हमारा छेना ठंडा हो जाएगा, और इसमें जो विनेगर की स्मेल है वो स्मेल भी नहीं आएगी। तो बस इसी तरीके से 2 या 3 ग्लास आप पानी डालेंगे तो आपका छेना बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और इसमें जो स्मेल है वो भी नहीं आएगी। और अब हम हमारे छेने को अच्छे से जो पानी है उसमें से वापस से हम इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे, ताकि पनीर में से जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो उस पूरी तरीके से निकल जाए। ये देखिए मैं इस तरह से करूँगी, और इसके बाद हम इसको एक टॉवल पे रख के अच्छे से हाथों से प्रेस करेंगे, तो जो भी एक्सेस वाटर होगा वो पूरा इसमें से निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आप जो छेना होता है उसमें से पानी निकालने का। इस तरह से जब आप प्रेस करते हैं तो जो भी एक्सेस वाटर होता है वो पूरा इजीली निकल जाता है। तो बस मैं इसी तरीके से इसको दबा दबा के निकाल लूँगी।
अब इसका जो हमारा पानी है वो पूरी तरीके से निकल गया है। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से पूरा ये हमारा जो छेना है वो बिल्कुल एकदम पानी बिल्कुल इसका ख़त्म हो गया है। और अब हम इसके बाद इसको मिक्सर के जार में डाल के अच्छे से चला लेंगे जब तक कि ये घी नहीं छोड़ता है। तो अब मैं मिक्सर में डाल दूँगी इसको, उसके बाद हम इसको अच्छे से कम 5 मिनट हम इसको चलाएँगे जिससे कि इसका पूरा घी ये छोड़ देगा। इसका मतलब है अगर इसने घी छोड़ दिया तो आपका पनीर अच्छे से पूरा अच्छे से बिल्कुल फिट गया है, बढ़िया अच्छे से बिल्कुल वो पूरा घी छोड़ देगा। इसका मतलब है कि आपका जो पनीर है वो रसगुल्ला बनाने के लिए तैयार है। तो इसमें मैं डालूँगी शक्कर और रवा। शक्कर और रवा डालने से ये होगा कि जब हम रसगुल्ले को पानी में डालेंगे तो ये फटेंगे नहीं। तो मैं इसमें अब शक्कर और रवा दोनों मिक्स कर दूंगी और उसके बाद हम इसको अच्छे से 5 मिनट के लिए चला लेंगे। तो अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने रवा लिया है, 1/2 टेबल स्पून रवा, और उसके बाद 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर डाल दूंगी। ये देखिए मैंने 1/2 टेबल स्पून शुगर लिए, इसको भी मैं डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्सर में चला लूँगी। और यहाँ पर देखिए दूसरी तरफ मैं पानी रख रही हूँ जिसमें हमें बॉईल करना है हमारा जो रसगुल्ला है। तो इसके लिए मैंने कुकर लिया है और इसमें मैं 1 कप शक्कर डालूंगी और हम इसके साथ 5 कप पानी डालेंगे। तो बस ये इसका मेज़रमेंट होता है। इस तरह से इसका जो शुगर सिरप होता है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं होता है और ज़्यादा पतला भी नहीं होता है। तो बस इसी तरह से हम हमारा जो शुगर सिरप है वो तैयार करेंगे रसगुल्ले के लिए। जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम हमारा जो रसगुल्ला के लिए हमने जो छेना है वो मिक्सर में डाला है उसको हम अच्छे से 5 मिनट के लिए चला लेंगे। तो बस इसी तरीके से इसको अच्छे से बॉईल जैसे ही होगा उसके बाद हम हमारा जो रसगुल्ले का जो छेना है उसको इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 मिनट अच्छे से इसको चला लिया है और इसमें काफ़ी घी छोड़ दिया है, पर इसके बाद भी हमको इसको थोड़ा अच्छे से हाथ से और फेंटना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए एकदम से। और बिल्कुल जैसे ही हम पूरी तरीके से इसको अच्छे से फेंट लेंगे तो ये ऐसा जिस तरह से बिखर रहा है ऐसा बिखरा हुआ नहीं रहेगा। अभी भी आपके जो छेना है इसको हमें अच्छे से फेंटना पड़ेगा जब तक कि ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता है। तो हाथों की सहायता से मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी। ये देखिए पूरा मैं इसमें से निकाल लूँगी इस तरीके से और उसके बाद हम इसको अच्छे से हाथ की सहायता से मसेंगे ताकि ये और जो भी इसमें थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी बिल्कुल अच्छे से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से 5 मिनट और हमें चलाना पड़ेगा। ये देखिए अभी भी काफ़ी कमी है इसमें, पूरी तरीके से नहीं हुआ है ये हमारा छेना। तो बस इसी तरीके से करना है हमें 5 मिनट और जब तक कि पूरा एक जैसा नहीं हो जाता है। ये देखिए अब हमारा छेना काफ़ी हद तक अच्छे से पूरा हमने फेंट लिया है और अब आप बताती हूँ मेरे हाथों में पूरा एकदम घी हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो छेना है वो रसगुल्ला बनाने के लिए तैयार है। ये देखिए कितना सारा घी इसने छोड़ दिया है। और बस अब इसी तरीके से हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे और उसके बाद हम इसको जब अच्छे से हमारा पानी बॉयल हो जाएगा उसके बाद हम हमारी ये सारी बॉल्स कुकर में डाल देंगे। तो मैं इस तरीके से सारी जो पनीर है उसकी सारी बॉल्स इस तरीके से मैं बना लूँगी। तो हम ये जो रसगुल्ले हैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा रखा हुआ है मैंने, क्योंकि कभी कभी जब ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है तो रसगुल्ले को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। तो बस इसी तरीके से हम हमारे जो बचे हुए हैं छेना उससे इस तरह की बॉल्स हम बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे जो सारे छेना की जो बॉल है वो पूरी तरीके से बन गई है और दूसरी तरफ हमारा पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब हम इसमें हमारी जो छेने की बॉल हमने बनाई है वो इसमें हम डाल देंगे पनीर की बॉल्स। तो बस इसी तरीके से हमें सारी की सारी बॉल्स इसमें डालना है और इसका जो हमारा जो गैस का फ्लेम है वो बिल्कुल फुल रखना है आपको, इसको कम नहीं करना है ताकि ये जितनी स्पीड में ये बॉईल होंगे उतने अच्छे हमारे रसगुल्ले बनेंगे। तो बस इसी तरीके से हमको पूरी जो फुल है एकदम गैस उसी आंच पे हमको इसको पकाना है। तो हम इस तरीके से 5 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे और उसके बाद एक विसल लेके हम इसको 5 मिनट मध्य आँच पर पकाएँगे।
तो बस इस तरह से हम थोड़ा सा इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे, और उसके बाद हम इसको इसका जो ढक्कन है कुकर का ढक्कन हम इसको बंद कर देंगे और हम इसमें विसल ले लेंगे। अब ये देखिए 5 मिनट तक बॉईल हो गए हैं और अब मैं इसका जो ढक्कन है वो लगा दूंगी, और उसके बाद हम इसमें एक से दो सीटियाँ लेंगे ताकि हमारे रसगुल्ले अच्छे से पक जाएँ, और उसके बाद हम इसको 5 मिनट के लिए मध्य आँच पर पकाएँगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसका ढक्कन लगा दिया है, और जैसे हमारी सीटी आएगी, ये देखिए एक सीटी आ गई है इसमें, सीटी आने के बाद ये देखिए सीटी आने के बाद मैं इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए हम कुकर को बंद रहेंगे और रखेंगे, और जब हमारा कुकर अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम हमारे जो रसगुल्ले का कुकर है वो खोलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे रसगुल्ले तैयार हैं, और मैं इसी तरीके से ये सारे रसगुल्ले निकाल लूँगी। देखिए साइज़ भी काफ़ी इसका डबल हो गया है जो साइज़ था उससे, तो इस तरह से हम सारे रसगुल्ले निकाल लेंगे। और जैसे ही ये सारे रसगुल्ले हम निकाल लेंगे उसके लिए उसके बाद हम इसके लिए जो शुगर सिरप है वो शुगर सिरप भी तैयार करेंगे। तो ये जो शुगर का सिरप है इसी को हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और इसी को हम इसके लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए अब मैं सारे रसगुल्ले इस तरीके से निकाल रही हूँ, और मैंने ये निकाल लिए हैं, काफ़ी अच्छे हमारे बिल्कुल सॉफ्ट रसगुल्ले बने हैं फ्रेंड्स, ये देखिए, और दिखने में भी बिल्कुल वाइट है एकदम। अब ये देखिए मैंने सारे रसगुल्ले हैं जो सर्विंग बाउल में निकाल लिए हैं, और ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं फ्रेंड्स, और काफ़ी अच्छे बने हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए मैं इसको आपको तोड़ के भी बता रही हूँ कि कितने अच्छा से बिल्कुल इसमें जाली आई है, धीरे धीरे से हम इसको तोड़ेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें जाली आई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।